Hello everyone and welcome to Join MNS Academy. I'm Abhilasha and I would be taking your science classes. So जो सबसे पहले हम chapter start कर रहे हैं वो cell है and cell जब मैं ये आपको पढ़ाते रहूँगी तो मैं इसे important question है या जो important topic है जिससे जो जो question आ सकते हैं मैं वो आपको बीच बीच में बोलते ही जाऊँगी, तो आप उसे मार्क करके रख लेना कि हाँ ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं, तो उसे आप मार्क करके लिखते रहना। तो जब आप उसे लिख लेंगे तो वो आपके लिए एग्ज़ाम टाइम में हेल्पफुल रहेगा कि आप उसे शॉर्ट में रिवाइज़ कर सकते हैं एंड वो शॉर्ट में रिवाइज़ करके आप एग्ज़ाम में बेटर स्कोर कर पाएंगे। तो ऐट द एंड ऑफ एग्ज़ाम इतना पूरे पूरे चैप्टर्स पढ़ना किसी के लिए भी डिफ़िकल्ट हो जाता है। सो लेट्स स्टार्ट। सो फर्स्टली व्हाट आर सेल्स? तो सिंपली वी कैन डिस्क्राइब सेल एज अ स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ और द स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चर विच वी कैन से एग्जिस्ट इन वर्ल्ड एंड विच इज़ कैपेबल ऑफ परफॉर्मिंग इट्स ऑल फंक्शंस विच आर रिक्वायर्ड फॉर इट। जो सेल्स होते हैं, सेल्स के अंदर बहुत सारे ऑर्गेनलीज होते हैं जो हेल्प करते हैं उसे एग्जिस्ट करने के लिए। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे कि सबसे पहले सेल को किसने डिस्कवर्ड किया था? तो सबसे पहले सेल को डिस्कवर्ड किया था एंटोन वॉन लुवेनहॉक ने, एंड सेल जो टर्म है वो कॉइन किया था रॉबर्ट हुक ने इन ईयर 1663। तो यहाँ पे एक छोटा सा सेल का डायग्राम है, यहाँ पे आपको सेल की इंपॉर्टेंट ऑर्गेनलीज इसमें दिख रही है, जैसे जस्ट अ सेकंड। तो ये आपको यहाँ पे सेल की, यहाँ पे ये आपको दिख रहा है कि ये डीएनए लिखा हुआ है, यहाँ पे ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, देन लाइसोसोम है एंड ये सेल मेम्ब्रेन है। तो ये सारी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनलीज है जिसको हम धीरे धीरे करके एक एक करके मैं आपको धीरे धीरे एक्सप्लेन करूँगी एंड इसमें से भी अगेन मैं आपको पॉइंट आउट कर दूँगी कि या ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे आप मार्क कर लो। जैसे यहाँ पे एक ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था कि सेल किसने डिस्कवर्ड किया था एंड सेल टर्म किसने किया था। तो ये हो सकता है आपसे एग्ज़ाम में ऐसा पूछा जा सकता है एमसीक्यू फॉर्म में, क्योंकि आपको एमसीक्यू में आंसर देने होते हैं मैक्सिमम, तो वो आपसे ये दो क्वेश्चन यहाँ से पूछ सकते हैं। तो चलो अब नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। सो सेकेंड इज़ टाइप्स ऑफ सेल, मतलब हम सेल को किस बेसिस पे हम उन्हें डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। तो जो सबसे बेसिक है जहाँ जिससे हम सेल को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं वो एट द कितने सेल्स होते हैं। फर्स्ट इज़ यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर। सो व्हाट आर यूनिसेलुलर? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स आर ऑर्गेनिजम विच आर मेड अप ऑफ सिंगल सेल एंड दे आर एबल टू परफॉर्म देयर लाइफ प्रोसेसेस लाइक रिप्रोडक्शन, फीडिंग, डाइजेशन एंड एक्सक्रीशन। सो यहाँ पे एग्जांपल्स दिए हुए पैरामीशियम, एमीबा, बैक्टीरिया एंड ईस्ट का। ये एमीबा का आपने सबने पढ़ा होगा कि एमीबा का ये जो ये पार्ट है यहाँ पे से वो एक फूड हो या कुछ भी हो उसको वो अपने अंदर कैसे एनगल्फ कर लेता है एंड देन वो उसके अंदर अपने अंदर एक वैक्यूल फॉर्म करता है एंड एक्सक्रीशन के लिए वो वैक्यूल को अपने बॉडी से बाहर निकाल देता है एक वैक्यूल के फॉर्म में। तो ये जो है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म ये कैपेबल है अपने आप अपने फंक्शंस को सिंगली हैंडल करने के लिए, इन्हें कोई और सिस्टम नहीं चाहिए अपने आप को एग्जिस्ट कराने के लिए। वही पे दो जो अदर टाइप ऑफ सेल्स है दे आर मल्टीसेलुलर एंड ऑर्गेनिजम्स विच हैव मल्टीसेल सेल्स आर नोन एज मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। बहुत सारे सेल्स मिलके मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में होते हैं और जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल होते हैं मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में उनका उसमें हर एक टाइप के सेल्स का फंक्शन डिफरेंट होता है और वो हर डिफरेंट टाइप के सेल्स मिलके एक पूरे सिस्टम को फंक्शन करने में हेल्प करते हैं। ह्यूमन बीइंग्स फॉर एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है ह्यूमन बीइंग्स में बहुत टाइप्स के सेल होते हैं और उनके अलग अलग फंक्शंस होते हैं। जैसे जो न्यूरॉन सेल होते हैं नर्व सेल वो सिर्फ कैपेबल होते हैं नर्व सिग्नल ट्रांसमिशन के। उनका एक ही स्पेसिफिक काम है कि हमने सिर्फ जो ये नर्व सिग्नल ट्रांसमिशन है वही करेंगे, वो उसके अलावा कोई और वर्क करते भी नहीं है। देन उसके बाद सेल थ्योरी भी अगेन एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिसमें से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। यहाँ से सबसे पहले यही पूछा जाता है कि सेल थ्योरी किसने फॉर्मुलेट की थी, तो आप इसे भी मार्क करके रख लो कि सेल थ्योरी से चीज़ें पूछी जा सकती हैं। तो सेल थ्योरी किसने फॉर्मुलेट की थी? दो साइंटिस्ट थे, मैटिस शेल्डन एंड थियोडोर शवान। तो इन दोनों ने मिलकर फॉर्मुलेट की थी सेल थ्योरी। तो जो मैथ्यू शेल्डन थे वो एक प्लांट सेल पे वर्क कर रहे थे, तो जो प्लांट सेल जब वो ऑब्जर्व कर रहे थे अपने माइक्रोस्कोप के थ्रू तो उन्होंने देखा कि जो प्लांट सेल है प्लांट का जो एक जो उन्होंने बड़ा सा या जो हम स्लाइड में व्यू करते हैं उसमें देखा कि इसमें बहुत सारे छोटे छोटे सेल्स हैं और वो उसको मिला के बना रहे हैं एक टिश्यू बिगर एंड देन वो कुछ फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। एंड एट द सेम टाइम जो ये ब्रिटिश जूलॉजिस्ट है श्वान
वो भी एक एनिमल सेल पे वर्क कर रहे थे, तो उन्होंने देखा कि जो एनिमल सेल है उसके आसपास एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन बना हुआ है। तो इन दोनों ने मिलके एक थ्योरी फॉर्मुलेट की। देन उसके बाद उसी में फर्दर उसको और ज़्यादा एक्सप्लेन किया रडॉल्फ रिचॉन ने इन 1855। उनने कहा कि सेल्स डिवाइड, जो न्यू एक सेल बनता है वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से फॉर्म होता है। सेल्स जो जैसे एक ऑलरेडी एक ये सेल है, तो ये फर्दर जब डिवाइड होगा तो ये दो छोटे छोटे सेल्स बनाएगा। जो भी सेल है वो अपने आप कहीं से भी आ नहीं जाता, वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही बनता है। और इस थ्योरी को उन्होंने कहा था ओमनी सेलुला ई सेलुला। यहाँ पे ये एक डायग्राम है उसी चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए जो ब्रिचो ने कहा था। तो इन तीनों को थ्योरीज को हम मिला के सेल थ्योरी कहते हैं। तो मैक्सिमम टाइम जब अगर क्वेश्चन पूछते हैं तो वहाँ पे शेल्डन या शवान का ही नाम होता है, एंड अगर किसी ऑप्शन में ब्रिचो का भी नाम है तो जहाँ पे ये तीनों नेम होंगे आपको वो वाला ऑप्शन टिक करना है, क्योंकि वही आंसर करेक्ट होगा। सिर्फ शेल्डन शवान और या बाकी साइंटिस्ट के नेम्स हुए तो वो हो सकता है आपका नेगेटिव हो जाए, या फिर वहाँ पे आप आंसर करोगे तो वो रॉन्ग हो सकता है। तो यहाँ अगर तीनों के नाम है तो आपको उस तीनों वाले ऑप्शन को करना है, और नहीं तो शेल्डन एंड शवान ही करना है आपको। सो ओवरव्यू ऑफ सेल, एज इन ओवरव्यू मीन्स हम इस सेल चैप्टर में क्या क्या पढ़ने वाले हैं वो हम अब आगे देखने वाले हैं। तो फर्स्टली जो सेल्स हैं उसमें जो एनिमल सेल होते हैं, एनिमल सेल में सिर्फ सेल मेम्ब्रेन होती है, और जो प्लांट सेल होते हैं उनके अंदर सेल वॉल होती है। बिकॉज प्लांट सेल की वॉल जो होती है वो थिक होती है और वो फॉर्म हो जाती है सेल वॉल में, इसलिए, और ये सेल वॉल एनिमल सेल में एब्सेंट होता है। देन उसके बाद इनसाइड ईच सेल अ डेंस मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर इज कॉल्ड न्यूक्लियस विच कंटेन क्रोमोसोम एंड इन टर्न इट टर्न इन टू डीएनए। जो हर सेल होता है सेल के न्यूक्लियस में डीएनए होता है। डीएनए तो बाद में फॉर्म होता है जब एक कॉम्प्लेक्स और वो फोल्डिंग्स के बाद बनता है, उससे डीएनए करते हैं। जो उसका बहुत बेसिक और जो रॉ फॉर्म होता है उसे क्रोमोसोम या क्रोमैटिन कहते हैं। और सेल के अंदर दो टाइप्स ऑफ सेल्स हमने पढ़ने वाले सेल चैप्टर के अंदर, जो एक है प्रोकैरियोटिक सेल एंड द सेकेंड वन इज़ यूकैरियोटिक सेल। सो जो दोनों प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स हैं उनके अंदर हम मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स पढ़ने वाले, जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गॉल्गी कॉम्प्लेक्सेस, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया एंड वैक्यूल्स। इसके अलावा भी बहुत सारी ऑर्गेनेल्स है वो भी पढ़ेंगे। कुछ कुछ स्पेसिफिक है जो प्लांट सेल में होती हैं, कुछ एनिमल सेल्स में ही होती हैं। बाकी जो प्रोकैरियोटिक सेल है उनके अंदर और भी डिफरेंट टाइप्स के ऑर्गेनेल्स होती हैं, और वो हम धीरे धीरे देखेंगे क्या है। नाउ प्रोकैरियोटिक सेल्स, प्रोकैरियोटिक सेल्स हैव समथिंग यूनिक कॉल इंक्लूजन बॉडीज। सो ये जो इंक्लूजन बॉडीज होते हैं दे एक्ट एज रिजर्व इन द प्रोकैरियोटिक सेल। दे आर प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म। जैसे यहाँ पे छोटे छोटे जो आप देख रहे यहाँ पे, तो ये मेंशन जो है वो राइबोसोम है, बट इसी तरह से इंक्लूजन बॉडीज भी बैक्टीरिया या फिर प्रोकैरियोटिक सेल्स के साइटोप्लाज्म में होते हैं। एंड ये फूड स्टोर करते हैं और कुछ उनके इम्पॉर्टेंट पिगमेंट्स वगैरह भी स्टोर करके रखते हैं, और इनको कहते हैं हम इंक्लूजन बॉडीज़। सो ये पूछा जा सकता है कि इंक्लूजन बॉडीज़ किसके में प्रेजेंट होते हैं, या फिर इंक्लूजन बॉडीज़ का क्या फंक्शन है। तो इंक्लूजन बॉडीज़ क्या करते हैं, दे आर ग्रैन्यूल्स फॉर दे आर रिजर्व मटेरियल्स ऑफ द प्रोकैरियोटिक सेल। देन मीजोजोम्स, मीजोजोम से ये भी एक मॉडिफिकेशन ही है प्रोकैरियोटिक सेल्स में, बिकॉज उनके पास जो बहुत सारे सेल्स नहीं है जो अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करें, इसलिए उनके अंदर ये एक छोटे छोटे मॉडिफिकेशंस होते हैं। तो जो ये फर्स्ट टाइप का इंक्लूजन बॉडी, ये भी एक मॉडिफिकेशन हुआ ये मीजोजोम से, ये भी मॉडिफाइड वर्जन ऑफ देयर सेल मेम्ब्रेन ही है। मीजोजोम्स आर फॉर्म्ड बाय द एक्सटेंशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड दे फॉर्म स्मॉल वेसिकल ट्यूब्यूल्स एंड लैमेले। सो जो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को ही सेल मेम्ब्रेन कहते हैं, तो यहीं यहाँ पर ही इन मीजोजोम्स फॉर्म होते हैं। देन उसके बाद जो सेल एनवेलप, जो ये सेल एनवेलप होता है यहाँ पे बाहर, इसमें तीन स्ट्रक्चर्स मिलके सेल एनवेलप बनाते हैं प्रोकैरियोटिक सेल्स में। फर्स्ट को कहते हैं हम ग्लाइकोकैलिक्स, सेकेंड इज सेल वॉल एंड थर्ड इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब जो यहाँ पे जैसे जो हमने एग्जांपल लिया था प्रोकैरियोटिक सेल का, वो एक बैक्टीरियल सेल था। तो बैक्टीरियल सेल होते हैं उनको हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, फर्स्ट इज़ ग्राम पॉजिटिव एंड सेकेंड इज़ ग्राम नेगेटिव। तो हम उसे ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव कहते हैं, क्योंकि एक बैक्टीरियल स्टेनिंग प्रोसेस होता है, उसमें जो बैक्टीरिया स्टेन को ले लेता है उसे हम ग्राम पॉजिटिव कहते हैं, जो बैक्टीरिया उस स्टेन को
लेके अपने आप में रख नहीं पाता है, उसे हम ग्राम नेगेटिव कहते हैं। और ये जो ग्राम स्टेनिंग है वो डेवलप किया था क्रिश्चियन ग्राम ने, तो हम इस स्टेनिंग को उनके नेम से ही जानते हैं और इसे हम कहते हैं ग्राम स्टेनिंग प्रोसेस। तो इसमें क्या होता है, वो स्टेन हम बैक्टीरियल कल्चर होता है उसे एक स्लाइड पर देते हैं और स्लाइड को हम ये ग्राम स्टेन डाल के कुछ, उसमें और भी प्रोसीजर होता है, उसमें अल्कोहल और बाकी चीज़ें होता है, उसको हीट फिक्स भी किया जाता है एंड देन उसे माइक्रोस्कोप के अंडर ऑब्जर्व किया जाता है। तो जब हम ऑब्जर्वेशन में देखते तो अगर वहाँ पे उस बैक्टीरिया ने वो स्टेन ले रखा होता है या उसके बॉडी में, फिर भी आफ्टर ऑल द प्रोसीजर जो भी हम परफॉर्म करते रहते हैं, तो हम उसे ग्राम पॉजिटिव कहते हैं और अदरवाइज इट्स कॉल्ड ग्राम नेगेटिव। जो बैक्टीरियल सेल होता है उसका एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है ग्लाइकोकैलिक्स। सो जो ये ग्राम स्टेन को लेना या फिर उसको रिलीज कर देने का जो होता है वो ग्लाइकोकैलिक्स के ऊपर डिपेंड करता है। तो जिस बैक्टीरिया में ये बहुत लूजली होते हैं ग्लाइकोकैलिक्स जो होती है, उसकी थिन लेयर होती है वो उस ग्राम स्टेन को रिलीज़ कर देती है, तो उसे हम ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया कहते हैं। एंड जिन सेल्स में ये थोड़ी सी ग्लाइकोकैलिक्स की लेयर थिक होती है उसे हम कैप्सूल कहते हैं। तो जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होते हैं वो स्टेन को रिलीज़ कर देते हैं क्योंकि उनके अंदर जो ग्लाइकोकैलिक्स की लेयर होती है वो स्मॉल होती है। और जैसे बैक्टीरिया बहुत सारे डिजीज़ कॉज करते हैं, आपने सुना होगा कि बहुत सारे डिजीज़ बैक्टीरिया के होते हैं, तो जो उसमें ग्राम नेगेटिव जो बैक्टीरिया जो डिजीज़ कॉज करता है वो ज़्यादा थ्रेटनिंग होता है बिकॉज ऑफ दिस कैप्सूल। वो जो ये कैप्सूल होता है वो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को बहुत ज़्यादा हेल्प करता है कि जैसे वो किसी भी होस्ट सेल में जाता है उसके साथ फटाफट अटैच होकर उसको जल्दी इन्फेक्ट कर देता है। इसलिए ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया जो भी डिजीज़ कॉज करते हैं वो ज़्यादा हार्मफुल या थ्रेटनिंग टू द ह्यूमंस होते हैं। इन सम प्रोकैरियोट्स लाइक साइनोबैक्टीरिया देर आर अदर मेम्ब्रेनस एक्सटेंशन इन साइटोप्लाज्म कॉल्ड साइटोफोर्स विच कंटेन पिगमेंट्स। जो साइनोबैक्टीरिया होता है या जिसे ब्लू ग्रीन एल्गे भी कहते हैं, वो फोटोसिंथेसिस करने के लिए कैपेबल होता है। तो फोटोसिंथेसिस करने के लिए उसके अंदर एक स्पेशल टाइप का मेम्ब्रेन होता है जिसे हम क्रोमैटोफोर्स भी कहते हैं, और उसके अंदर पिगमेंट्स होते हैं जो उसे फोटोसिंथेसिस करने के लिए हेल्प करते हैं जिससे वो फोटोसिंथेसिस कर पाए और एग्जिस्ट कर पाए। देन बैक्टीरिया जो होते हैं, कुछ बैक्टीरिया मूव कर सकते हैं, कुछ बैक्टीरिया मूव नहीं कर सकते हैं। जो मूव कर सकते हैं उनको मोटाइल कहते हैं और जो मूव नहीं कर सकते उनको नॉन मोटाइल कहते हैं। और वो मूव जो मूव करते हैं वो फ्लैजेला की हेल्प से मूव करते हैं, जो जिस पार्ट की वजह से मूव करते हैं उसे हम फ्लैजेला कहते हैं। तो जो बैक्टीरियल फ्लैजेला होता है उसके तीन पार्ट्स होते हैं, फिलामेंट, हुक एंड बेसल बॉडीज। बिसाइड फ्लैजेला पिलाई एंड फिम्ब्रे आर ऑल्सो प्रेजेंट ऑन द बैक्टीरियल स्ट्रक्चर। ये एक प्रीवियस डायग्राम में है, मैं वहाँ से आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। या जैसे यहाँ पे दिख रही है जो बड़ा सा है, ये जो बड़ा सा आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है ये फ्लैजेला है। इस फ्लैजेला के हेल्प से बैक्टीरिया मूव कर सकते हैं। एंड ये जो छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं यहाँ पे, ये वाले इनको फिम्ब्रे कहते हैं और या फिर इनको पिलाए कहते हैं। जो मैक्सिमम है उनको फिम्ब्रे कहते हैं और इसी में एक स्पेशल टाइप का ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर होता है जिसको हम पिलाई कहते हैं। देन अगेन हाँ, द पिलाई आर इलॉन्गेटेड ट्यूबुलर स्ट्रक्चर मेड अप ऑफ प्रोटीन। जो ये पिलाई होते हैं वो एक स्पेशल स्ट्रक्चर होते हैं बिकॉज दे हैव अ स्पेशल फंक्शन इन बैक्टीरिया। दे हेल्प इन देयर डिविजन और दे पिलाई हेल्प इन रिप्रोडक्शन ऑफ बैक्टीरिया। एंड ये जो फिम्ब्रे होते हैं वो स्मॉल स्मॉल स्ट्रक्चर्स होते हैं और ये ब्रिस्टल लाइक के होते हैं और बहुत सारे बैक्टीरियल सेल्स में प्रेजेंट होते हैं। एंड एक ये पूछा जा सकता है क्वेश्चन राइबोसोम्स के ऊपर बैक्टीरियल के, क्योंकि बैक्टीरियल राइबोसोम्स होते हैं वो 70S के होते हैं एंड जो यूकैरियोटिक सेल्स के होते हैं वो 80S के होते हैं। तो ये एक डिफरेंशिएटिंग फैक्टर हो जाता है प्रोकैरियोटिक सेल्स एंड यूकैरियोटिक सेल्स में। तो इससे एक क्वेश्चन आने के चांसेस हो सकते हैं कि व्हाट टाइप ऑफ राइबोसोम डू प्रोकैरियोटिक सेल्स हैव। सो दो जो प्रोकैरियोटिक सेल्स के राइबोसोम्स होते हैं वो 70S के होते हैं एंड उसके दो सब यूनिट्स होते हैं। जैसे आपने देखा होगा जो राइबोसोम होते हैं वो एक ऐसा स्ट्रक्चर रहता है, ऊपर का स्मॉलर स्ट्रक्चर होता है, नीचे ऐसे एक बड़ा सा राउंड स्ट्रक्चर होता है। तो जो बैक्टीरिया का ऐसा स्ट्रक्चर होता है उसका ये जो स्मॉलर सब यूनिट होता है ये 30S का होता है एंड जो ये नीचे वाला सब यूनिट होता है लार्जर सब यूनिट वो 50S का होता है। एंड बैक्टीरियाज में एक गैस वैक्यूल भी होता है, वो भी जनरली हेल्प करता है ब्लू ग्रीन एल्गे को फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करने के लिए।
सो वी हैव फिनिश्ड प्रोकैरियोटिक, स्टार्ट विथ यूकैरियोटिक सेल्स. यूकैरियोटिक सेल्स हैव न्यूक्लियस विथ न्यूक्लियर एनवलप एंड जेनेटिक मटेरियल इज ऑर्गेनाइज्ड इनटू क्रोमोसोम्स. जो यहाँ पे ये दो डायग्राम है, ये दो यूकैरियोटिक सेल्स के डायग्राम है. सो जो ये फर्स्ट वाला है ये एनिमल सेल है एंड सेकेंड वन इज प्लांट सेल. तो जो दोनों का जेनेटिक मटेरियल है वो उनके न्यूक्लियस के अंदर एक ऑर्गेनाइज्ड वे में है, जिसे हम क्रोमोसोम्स कहते हैं, जो फर्दर क्रोमोसोम का एक स्ट्रक्चर बनाते हैं. जैसा कि हमने प्रोकैरियोट में देखा था, जो प्रोकैरियोट का डीएनए था या जेनेटिक मटेरियल था वो ऐसे ही साइटोप्लाज्म में था, फ्रीली था. उसके ऊपर कोई कवरिंग नहीं थी, जैसे कि यहाँ पे हमारे न्यूक्लियस के ऊपर एक न्यूक्लियर एनवलप है. देन सेकेंड, द प्लांट्स एंड एनिमल सेल्स आर डिफरेंट एज दे पजेस सेल वॉल, प्लास्टिड्स एंड लार्ज सेंट्रल वैक्यूल्स विच आर एबसेंट इन एनिमल सेल्स, वेयर एज एनिमल सेल्स पजेस सेंट्रियोल. नाउ जो प्लांट सेल होते हैं, प्लांट सेल में ही सिर्फ सेल वॉल प्रेजेंट होती है. जो एनिमल सेल है, एनिमल सेल में हमें सेल वॉल नहीं होती, वहाँ पे ओनली सेल मेम्ब्रेन होती है. ये एक डिफरेंस हुआ एनिमल सेल एंड प्लांट सेल का. देन अगेन जो प्लास्टिड होता है, जो प्लास्टिड है वो भी सिर्फ एक प्लांट सेल में ही प्रेजेंट होता है, ह्यूमंस में नहीं होता है. ये क्वेश्चन कभी कभी आपसे पूछ सकते हैं कि प्लास्टिड इज़ प्रेजेंट इन विच ऑफ दिस सेल, वहाँ पे प्लाज्मोडियम हो गया या फिर ये अमीबा हो गया या पैरामीशियम हो गया या एनिमल सेल कोई भी लिख देंगे. तो ऐसे आपको फोर ऑप्शंस देके पूछ सकते हैं कि प्लास्टिड किस में प्रेजेंट होता है. वैसे ही जो सेंट्रियोल्स होते हैं, वो सेंट्रियोल्स भी सिर्फ एनिमल सेल में ही प्रेजेंट होते हैं. तो जब एक एनिमल सेल डिवाइड होता है तो वहाँ पे सेंट्रियोल हेल्प करते हैं उस सेल को डिवाइड करने में. देन यूकैरियोटिक सेल्स हैव कॉम्प्लेक्स लोकोमोटरी स्ट्रक्चर एंड साइटोस्केलेटल स्ट्रक्चर. सो जो वाटर लोकोमोटरी स्ट्रक्चर, जैसे हमने एक प्रोकैरियोटिक सेल में पढ़ा था कि उसके पास एक फ्लैजेला होता है जिसकी हेल्प से वो मूव करता है, वैसे ही जो यूकैरियोटिक सेल्स में जो लोकोमोटरी स्ट्रक्चर होते हैं वो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होते हैं रादर देन द प्रोकैरियोटिक सेल. जैसे एक प्रोकैरियोटिक सेल में जस्ट एक फ्लैजेला था, वैसे जो यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं उसके अंदर बहुत सारे स्ट्रक्चर्स होते हैं, और जो साइटोस्केलेटल स्ट्रक्चर्स भी होते हैं जो एक सेल को उसकी प्रॉपर बाउंड्री, डेफिनाइट बाउंड्री को रखने में हेल्प करते हैं, उन्हें हम साइटोस्केलेटल स्ट्रक्चर्स कहते हैं. देन एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम प्रेजेंट होता है यूकैरियोटिक सेल्स में. तो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम क्या होता है? एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम एक सिस्टम है जहाँ पे हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गॉल्गी कॉम्प्लेक्सेस, लाइसोसोम्स एंड वैक्यूल एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करके अपना फंक्शन परफॉर्म करते हैं. और जब अगर जैसे हमने पढ़ा था प्रोकैरियोटिक सेल्स में, वहाँ पे जितने भी ऑर्गेनेल्स हैं वो एक दूसरे के ऊपर कोई भी अपने फंक्शन के लिए डिपेंडेंट नहीं है, बट यूकैरियोटिक सेल्स में ये एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है. एंड ये जो सब सिस्टम एक साथ मिलके क्या बनाते हैं, इसे हम कहते हैं एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम. ये इस पॉइंट में मेंशन है. तो यहाँ से भी एक क्वेश्चन आ सकता है कि विच ऑफ द ऑर्गेनेल्स आर पार्ट ऑफ एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम, और विच ऑफ दिस ऑर्गेनेल्स आर नॉट अ पार्ट ऑफ एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम. सो ये आप इस पॉइंट को भी ध्यान रखना. अब सिंस द फंक्शन ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट एंड पेरोक्सीसोम्स आर नॉट कोऑर्डिनेटेड विद अबव कंपोनेंट्स, दीज आर नॉट कंसिडर्ड एज अ पार्ट ऑफ एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम. सो ये अगेन एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का ही एक एक्सटेंडेड पॉइंट है कि कौन से पार्ट्स, कौन से ऑर्गेनेल्स एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट है एंड कौन से ऑर्गेनेल्स एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट नहीं है. सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन इज कंपोज्ड ऑफ लिपिड्स दैट आर अरेंज्ड इन बाई लेयर. लिपिड्स आर अरेंज्ड विद इन मेम्ब्रेन विद द पोलर हेड टुवर्ड्स द आउटर साइड एंड द हाइड्रोफोबिक टेल टुवर्ड्स द इनर पार्ट, विच इंश्योर दैट द नॉन पोलर टेल ऑफ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन इज प्रोटेक्टेड फ्रॉम द एक्वस एनवायरमेंट. द लिपिड कॉम्पोनेंट ऑफ द मेम्ब्रेन कंसिस्ट ऑफ फॉस्फोग्लिसराइड्स. And cell membrane also possesses proteins and carbohydrate. The membrane proteins are classified as integral protein and peripheral protein. So जो भी चीज़ें यहाँ पर इस slide में, वो मैं आपको next slide में एक diagram है उसकी help से explain करती हूँ. जो first slide में था कि जैसे जो lipid की है वो एक bilayer है, तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, ये एक first part है ऊपर lipid का, and ये नीचे जो blue दिख रहा है आपको, ये एक सेकेंड लेयर है लिपिड की. एंड जो ये हेड पार्ट है वो ब्लू से शो किया इन्होंने ऐसा सर्कल, वो उसका हाइड्रो
फिलिक पार्ट है जो आउटर साइड है, एंड जो ये ब्लैक वाला पार्ट यहाँ पे दिख रहा है वो हाइड्रोफोबिक टेल है, वो टूवर्ड्स इनसाइड है जहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट नहीं है। एंड देन जो यहाँ पे प्रोटीन्स की बात की है, जैसे ये इंटीग्रल प्रोटीन एंड पेरिफेरल प्रोटीन है, सो ये जो यहाँ पे आपको एक बिग मॉलिक्यूल दिख रहा है ये है एक इंटीग्रल प्रोटीन, एंड जो आपको ये बाहर बाहर दिख रहे हैं ये पेरिफेरल प्रोटीन है, या फिर जैसे ये कि बाहर ऐसे आया हुआ है वो एक पेरिफेरल प्रोटीन है। एंड बीच में इसमें कोलेस्ट्रॉल भी होता है। कोलेस्ट्रॉल एक इसको जो हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है उसको एक फ्लूइडिटी प्रोवाइड करता है, जैसे हम कहते हैं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज़ अ क्वासी फ्लूइड, सो तो उसके लिए हेल्प करता है कोलेस्ट्रॉल। एंड जो ये टेल होती है, जो लिपिड की टेल होती है, वहाँ पे एक फॉस्फेट ग्रुप भी होता है जो एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन को एक स्लाइटली नेगेटिव चार्ज प्रोवाइड करता है। देन पेरिफेरल प्रोटीन्स लाई एट द सर्फेस ऑफ द मेम्ब्रेन एंड इंटीग्रल प्रोटीन आर टोटली बरीड। ये वही चीज़ यहाँ पे लिखी गई है कि जो इंटीग्रल प्रोटीन है वो बरीड है एंड जो पेरिफेरल प्रोटीन है वो बाहर की तरफ आया। देन ये मॉडल हमें किसने दिया था, और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन का मॉडल है जो वाइडली एक्सेप्टेड मॉडल है। सो जो फ्लूइड मोजैक मॉडल मॉडल ऑफ सेल मेम्ब्रेन था, ये हमें सिंगर एंड निकोलसन ने दिया था इन ईयर 1872। हम सेल मेम्ब्रेन को प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं। तो देन ये जो नेक्स्ट पॉइंट है, वहाँ पे हमने इसे ऐसा प्लाज्मा मेम्ब्रेन मेंशन किया हुआ है। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज़ टू ट्रांसफ़र द मॉलिक्यूल्स अक्रॉस इट। तो जो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो सिलेक्टिवली परमिएबल है, मीन्स इट डजेंट अलाउ एवरीथिंग टू पास थ्रू इट। सो जो कुछ मॉलिक्यूल्स होते हैं वो ये हमारी मेम्ब्रेन है इसके थ्रू अपने आप पास हो जाते हैं, एज इन जस्ट उनका कॉन्सेंट्रेशन का डिफरेंस होता है एंड वो पास हो जाते हैं। बट जैसे कि ये बड़े मॉलिक्यूल्स हैं जैसे सोडियम और पोटेशियम, बड़े मीन्स उनके पास एक चार्ज है, तो जो चार्ज मॉलिक्यूल्स हैं वो इस मेम्ब्रेन के थ्रू पास आउट नहीं हो सकते हैं, क्योंकि जो हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो स्लाइटली नेगेटिव चार्ज है बिकॉज ऑफ फॉस्फेट ग्रुप, एंड ये जो सोडियम एंड पोटेशियम है वो पॉजिटिव चार्ज है। तो अगर इन्हें इनके थ्रू ट्रांसफ़र होना है तो इनको यहाँ पे एनर्जी यूटिलाइज करनी पड़ती है। तो जो जिस ट्रांसपोर्ट में हमें एनर्जी यूटिलाइज करनी पड़ती है उसे हम कहते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट, एंड जिस टाइप के ट्रांसपोर्ट में हमें कोई एनर्जी यूज़ करनी नहीं पड़ी, वो जस्ट वहाँ पे हमारा सेल के इस तरफ हमारा इनसाइड मान लो कंसंट्रेशन लो है एंड आउटसाइड ज़्यादा है, तो उसमें वाटर मॉलिक्यूल्स या कोई भी दूसरे मॉलिक्यूल्स आराम से पास हो सकते हैं विद द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस। एंड ये किस लिए हुआ, क्योंकि हमारी जो सेल मेम्ब्रेन है वो सिलेक्टिवली परमीएबल है। एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ सेल मेम्ब्रेन ये हुआ कि वो हमें हेल्प करती है ट्रांसफ़र ऑफ मॉलिक्यूल्स। ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट का एक एग्जाम्पल है सोडियम पोटेशियम पम्प, एंड ऐसी एक सोडियम हाइड्रोजन पम्प भी होता है, उसमें भी हमें एटीपी का यूज़ होता है जिससे हम सोडियम या फिर H+ को थ्रू द हमारी सेल मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट कर सके, तो वहाँ पे भी एनर्जी यूज़ होती है। नाउ वी विल स्टार्ट विद सेल वॉल। सो जो सेल वॉल है वो एक सेल की सबसे आउटर मोस्ट कवरिंग होती है, एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन उसके अंदर होते हैं। जो सेल वॉल है वो सेल वॉल एक नॉन लिविंग रिजिड आउटर कवरिंग है, एंड जब वो सबसे बाहर की कवरिंग है तो उसका मेन फंक्शन भी हुआ कि वो सेल को बाहर या कोई भी मैकेनिकल डैमेज या इन्फेक्शन से उसको प्रोटेक्ट करे। जो सेल वॉल है वो सेल को एक रिजिड या फिर उसको एक शेप भी प्रोवाइड करती है, जैसे कि उसे अगर कोई अभी कुछ हार्म हो रहा है तो सेल के अंदर जो भी ऑर्गेनिज है उनको कम से कम कोई डैमेज हो सकती है, जैसे हमारी बॉडी है या फिर बॉडी के हमारे जो बोन्स होते हैं मेजर बोन्स जैसे रिब्स है, रिब्स के अंदर हमारा लंग्स या फिर हर्ट या फिर ब्रेन, जो ब्रेन है वो हमारा स्कल के अंदर प्रोटेक्टेड है, वैसे सेल वॉल भी एक आउटर लेयर है जो उसके अंदर की इंपॉर्टेंट ऑर्गेनलीज को प्रोटेक्ट करने में हेल्प करती है, और वो एक बैरियर की तरह भी एक्ट करती है जिसके थ्रू अनडिजायरेबल मॉलिक्यूल्स सेल के अंदर ना जा सके। देन ये जो सेल वॉल है वो अलग अलग ऑर्गेनिजम्स में अलग अलग चीज़ों से कंपोज्ड होती है। जो एल्गी की सेल वॉल है वो सेल्यूलोस गैलेक्टिन मैनेस एंड मिनरल्स लाइक कैल्शियम कार्बोनेट से फॉर्म होती है, और वहीं जो प्लांट्स की सेल वॉल होती है उसमें सेल्यूलोस हेमी सेल्यूलोस पेक्टिन्स एंड प्रोटीन्स होते हैं।
सो ये एक क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है कि एल्गी का सेल वॉल किससे कंपोज होता है, या फिर प्लांट सेल वॉल तो शायद ही पूछे, बट एल्गी एक यहाँ पे इम्पॉर्टेंट आप मार्क करके रख सकते हो क्योंकि एल्गी से क्वेश्चंस आ सकते हैं। देन जो प्लांट सेल वॉल होता है उस सेल वॉल में बहुत सारे डिफरेंट लेयर्स में डिवाइड होता है। सो जो प्लांट सेल वॉल का सबसे आउटर लेयर होता है उसको हम प्राइमरी सेल वॉल कहते हैं, एंड द प्राइमरी सेल वॉल ऑफ यंग सेल विच इज़ कैपेबल ऑफ ग्रोथ ग्रेजुअली डिमिनिशेस एज सेल मैच्योर्स, एंड द सेकेंडरी वॉल इज़ फॉर्म ऑफ द इनर साइड ऑफ द सेल। सो इस पॉइंट में ये है कि जो दिस इज़ अ डायग्राम ऑफ सेल वॉल विच विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड द सेल वॉल मोर बेटर। जैसे यहाँ पे हमने फर्स्टली बता दिया कि एक प्राइमरी सेल वॉल होता है जो यंग सेल्स में होता है, और फिर वो बाद में मैच्योर होकर सेकेंडरी सेल वॉल फॉर्म करता है जो इनर साइड में होता है। तो यहाँ पे डायग्राम में देख सकते हैं कि यहाँ पे ये प्राइमरी सेल वॉल है एंड उसकी इनर साइड में जो है वो सेकेंडरी सेल वॉल है, और जो इन दोनों के बीच का जो स्पेस है यहाँ पे उसे मिडल लैमेला कहते हैं। एंड उसके बाद एक प्लाज्मोडेस्माटा जो है वो भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है इस सेल वॉल का, वो उसके आसपास के सेल्स से उसको कनेक्ट करके हेल्प करता है, एज इन जैसे ये सेल है और ये सेल है, तो इन दोनों के बीच में ये जो प्लाज्मोडेस्माटा है वो एक कनेक्शन की तरह फॉर्म करता है। जैसे हमें अगर कुछ ट्रांसपोर्ट करना है तो वो प्लाज्मोडेस्माटा के थ्रू होता है। देन आता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज़ अ नेटवर्क ऑफ टाइनी स्ट्रक्चर्स विच आर स्कैटर्ड इन साइटोप्लाज्म। तो जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वो एक छोटे छोटे टाइनी ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स का स्कैटर्ड होते हैं साइटोप्लाज्म में। जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हम ईआर भी कहते हैं। ईआर के कंपार्टमेंट को हम टू पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, फर्स्ट इज़ ल्यूमिनल एंड सेकेंड वन इज़ एक्स्ट्रा ल्यूमिनल कंपार्टमेंट्स। ऐसे दो कंपार्टमेंट्स में हमने डिवाइड किया हुआ है ईआर को। देन ईआर ऑन द बेसिस ऑफ राइबोसोम भी टू टाइप्स में हम डिस्क्राइब कर सकते हैं, जैसे एक फर्स्ट है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड सेकेंड इज स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सो इस पे क्वेश्चन आ सकता है कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फंक्शन क्या है। सो जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो प्रोटीन सिंथेसिस एंड सिक्रीशन में हेल्प करता है, एंड जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो सिंथेसिस ऑफ लिपिड में हेल्प करता है। ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वो आप यहाँ पे देख सकते हो ये किसके साथ अटैच्ड है, न्यूक्लियस के साथ। एंड ये हमारा बहुत सारा टाइनी ट्यूबुलर स्ट्रक्चर जो मैंने बताया ये वो है, और इसी को हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं। तो जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसके ऊपर ये स्मॉल रेड रेड स्ट्रक्चर्स है, ये राइबोसोम वो अटैच्ड है, एंड जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसके ऊपर ऐसा कुछ भी अटैच नहीं है, इसलिए उसे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कह रहे हैं। एंड देन इनका फंक्शन मैंने बताया प्रोटीन सिंथेसिस सिक्रीशन फॉर RER एंड फॉर SER इट इज़ सिंथेसिस ऑफ लिपिड। सो इनके फंक्शन पे आपको एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो आप इसके फंक्शंस को भी ध्यान रखना कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फंक्शन क्या है और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फंक्शन क्या है। गॉल्गी अपैरेटस और गॉल्गी बॉडीज। कैमेलियो गॉल्गी इन 1898 फर्स्ट ऑब्जर्व गॉल्गी अपैरेटस। देन गॉल्गी का स्ट्रक्चर कैसा होता है उसके बारे में है कि जो स्ट्रक्चर होता है गॉल्गी का वो एक फ्लैटेंड डिस्क की तरह होता है जिसको हम सिस्टर्ने कहते हैं, जिनका साइज़ होता है 0.5 माइक्रोमीटर्स टू 0.1 माइक्रोमीटर्स इन डायमीटर, और वो एक दूसरे के ऊपर पैरेलली अरेंज्ड होते हैं और उसी को हम गॉल्गी अपैरेटस कहते हैं। देन गॉल्गी के टू साइड्स होता है, एक को हम कहते हैं सिस फेस एंड एक को कहते हैं हम ट्रांस फेस। जो कॉन्वेक्स शेप में होता है उसे हम सिस फेस कहते हैं, एंड जो उसका पीछे का पार्ट हुआ जिसको कॉनकेव कहते हैं हम उसे ट्रांस फेस कहते हैं। वो यहाँ पे हमने मेंशन किया हुआ है कि कौन सा सिस फेस है या कौन सा ट्रांस फेस है। एंड जो गॉल्गी के सिस्टर्ने होते हैं वो भी न्यूक्लियस के आसपास ही अरेंज्ड होते हैं, क्योंकि ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ फॉर्म अपना फंक्शन मिलके कंप्लीट करते हैं। मटेरियल्स टू बी पैक्ड इन फॉर्म ऑफ वेसिकल्स फ्रॉम द ईआर फ्यूज टू द सिस फेज ऑफ द गॉल्गी अपैरेटस एंड मूव टूवर्ड्स द मैच्योरिंग फेज वेयर पैकेजिंग ऑफ मटेरियल टेक्स प्लेस। तो जैसे मैंने कहा कि ये न्यूक्लियस के पास अरेंज होते हैं, तो यहाँ पे न्यूक्लियस होता है जहाँ पे ये गॉल्गी अपैरेटस लिखा है, तो यहाँ से कोई भी एक वेसिकल फॉर्म होके
निकलता है जिसके अंदर कोई भी इम्पोर्टेंट मटेरियल होता है जो सेल के लिए चाहिए, तो वो वहाँ से आता है और वहाँ से निकल के इसके सिस फेज पे अटैच होता है। देन ये धीरे धीरे ट्रांसपोर्ट होके इधर ट्रांस फेज पे आता है जहाँ पे उसकी फर्दर पैकेजिंग होती है फॉर द ट्रांसपोर्ट। तो गॉल्गी में क्या क्या सिंथेसाइज होता है, गॉल्गी प्रोटीन्स कैन सिंथेसाइज ग्लाइको प्रोटीन्स एंड ग्लाइको लिपिड्स। तो गॉल्गी अपैरेटस प्रिंसिपली परफॉर्म्स द फंक्शन ऑफ पैकेजिंग मटेरियल टू बी डिलीवर्ड आइदर टू द इंट्रा सेलुलर टारगेट और सीक्रेटेड आउटसाइड द सेल्स। सो अगेन गॉल्गी का इम्पॉर्टेंट काम क्या हुआ, उसका इम्पॉर्टेंट काम हुआ कि पैकेजिंग ऑफ मटेरियल्स एंड डिलीवरिंग देम। सो जो भी यहाँ पे फॉर्म हुआ वो या तो सेल के अंदर की कोई साइट है जहाँ पे उसे जाके उसे ट्रांसपोर्ट करने, जैसे कि यहाँ पे मान लो कोई एक हार्मोन या कुछ भी बना वो सेल के माइटोकॉन्ड्रिया में चाहिए, तो वो ये गॉल्गी का काम हुआ कि ये जाके उधर ट्रांसपोर्ट करेगा, या फिर सेल के आउटसाइड कहीं चाहिए तो वो भी गॉल्गी का काम है कि ये उसे सेल के बाहर तक छोड़ के आएगा बिकॉज ऑफ दिस स्ट्रक्चर विच इज़ फॉर्म सिस फेज और ट्रांस फेज। सो गॉल्गी का मेन फंक्शन ये हुआ। तो ये गॉल्गी का फंक्शन एक इम्पॉर्टेंट थिंग है इस स्लाइड से जो आपको ध्यान रखना है। देन लाइसोसोम्स, लाइसोसोम्स भी बहुत छोटी सी ऑर्गेनलीज है बट इसका फंक्शन मेनली यही है कि यहाँ पे बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं, जैसे ये हाइड्रोलेजेस, लाइपेजेस, प्रोटीएजेस एंड कार्बोहाइड्रेजेस, जो ऑप्टिकली एक्टिव बहुत ज़्यादा एसिडिक होते हैं। तो इनका मेन फंक्शन यही होता है कि कोई भी अगर आसपास में ऐसा कुछ फॉरेन मटेरियल दिखा या कोई भी चीज़ दिखी जो सेल के लिए ज़रूरत नहीं है, जिसके होने से सेल को कुछ हार्म हो सकता है या फिर उसकी फंक्शनिंग को अफेक्ट कर रही है, तो ये उसे अपने मेम्ब्रेन के साथ अटैच करता है। यहाँ पे जैसे मान लो ये, तो ये इसे अपने साथ अटैच करेगा, देन उसको धीरे धीरे अपने अंदर ले लेता है जहाँ पे उसके पास इम्पॉर्टेंट एंजाइम्स और जो भी चीज़ें हैं जिसका पीएच बहुत हाई है, एंड देन ये उसको डिसॉल्व करके कुछ ऐसे यूज़फुल कंपोनेंट्स में चेंज कर देता है जो सेल यूज़ कर सकता है। तो एक तरीके से ये रिसाइकलिंग ऑफ मटेरियल्स में भी हेल्प करता है। तो लाइसोसोम का फंक्शन यही हुआ कि उसके पास हाइड्रोलाइटिक एंजाइम है जिसके हेल्प से वो सेल्स को एक रिसाइकल करके, सेल्स नहीं जो भी हार्मफुल पार्टिकल्स हैं उनको ब्रेक डाउन करके या फिर उनको रिसाइकल करके सेल को वापस दे देता है। जैसे ये जो मॉलिक्यूल है मान लो इस, ये एक कोई भी फॉरेन वायरस है तो उसने उसको ब्रेक डाउन करके उसके छोटे छोटे पार्टिकल्स बनाए, मान लो उससे तोड़ने के बाद ग्लूकोज बना, तो अब सेल के लिए ग्लूकोज एक यूज़फुल पार्टिकल हुआ तो वो ग्लूकोज को अपने पास रख लेता है। वैक्यूल इज़ अ मेम्ब्रेन बाउंड स्पेस फाउंड इन साइटोप्लाज्म। सो जो वैक्यूल है वो एक मेम्ब्रेन बाउंड स्पेस है जिसका साइटोप्लाज्म में रहता है। मेम्ब्रेन बाउंड मीन्स वो ऐसे, वो भी ऐसे फ्रीली जैसे न्यूक्लियॉइड वैसे नहीं रहता, उसके ऊपर भी एक मेम्ब्रेन रहती है जिसको हम टोनोप्लास्ट कहते हैं। जो ये वैक्यूल है, ये वैक्यूल जनरली यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में या प्रोकैरियोट्स में या फिर प्लांट सेल में होता है। एनिमल सेल में यूजुअली बहुत छोटा सा वैक्यूल होता है या फिर मोस्टली नहीं भी होता है। ये जनरली एक स्पेसिफिक फीचर है प्लांट सेल्स का या फिर प्रोकैरियोट्स का। देन वैक्यूल्स के अंदर क्या क्या होता है, तो वैक्यूल्स के अंदर वाटर, सैप, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स और ऐसे मटेरियल्स भी होते हैं जो एक प्लांट सेल के लिए या उस सेल के लिए यूज़फुल नहीं हो। जो प्लांट्स का टोनोप्लास्ट होता है वो उसके हेल्प करता है, फैसिलिटेट्स द ट्रांसपोर्ट ऑफ नंबर ऑफ आयंस एंड अदर मटीरियल अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन इन टू द वैक्यूल। मीन्स जो एक प्लांट सेल के अंदर जो वैक्यूल होता है वहाँ पे वो बहुत सारे आयंस का और बहुत सारे मटेरियल का ट्रांसपोर्ट होने में हेल्प करता है, जिसके वजह से जो वैक्यूल के बाहर का जो कंसंट्रेशन होता है वो कम होता है और वैक्यूल का अंदर का कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा होता है। जैसे कि अमीबा है, उस वो क्या करता है, जब उसके बॉडी के अंदर बहुत सारा वेस्ट हो गया या ऐसी चीज़ें हो गई जो उसको नहीं चाहिए, तो वो एक वैक्यूल फॉर्म करता है और उस वैक्यूल को धीरे धीरे करके अपने बॉडी से बाहर कर देता है। तो वो उसका एक एक्सक्रीशन का मैकेनिज़म भी हो गया और उसको जिस वे से वो बाहर करता है या जो वैक्यूल वो बना के बाहर करता है उसको हम कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल कहते हैं। एंड अगेन वो फूड के लिए भी यही काम करते हैं कि उसके आसपास कोई फूड दिखा उसे उसे चाहिए तो वो एक वैक्यूल, अगेन वैक्यूल बनाता है और धीरे धीरे वो उसे एनगल्फ करके अपने बॉडी के अंदर लेके उसको यूटिलाइज कर लेता है। तो वैक्यूल यहाँ पे हमने दो टाइप्स के पढ़े, एक फूड वैक्यूल है एंड एक कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल है। माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया इज़ अ डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर
विथ आउटर मेम्ब्रेन एंड इनर मेम्ब्रेन डिवाइडिंग इट्स ल्यूमेन इनटू आउटर कंपार्टमेंट एंड इनर कंपार्टमेंट. सो माइट्रोकॉन्ड्रिया जो है उसमें दो मेम्ब्रेन बाउंडिंग ऑर्गेनलीज होती है, जैसे बाकी सब जो हमने ऑर्गेनलीज पढ़ी वहाँ पे एक एक मेम्ब्रेन थी जो उसे बाउंड कर रही थी या उसका स्ट्रक्चर को मेंटेन करने में हेल्प कर रही थी. यहाँ पे वैसे ही दो मेम्ब्रेन हैं जो उसको बाउंड करती हैं, एंड माइट्रोकॉन्ड्रिया ही सिर्फ एक ऐसी ऑर्गेनली है जो डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड है. सो जो दो मेम्ब्रेन होने की वजह से इसमें एक इनर कंपार्टमेंट एंड एक आउटर कंपार्टमेंट फॉर्म हो जाता है. तो जो इनर कंपार्टमेंट होता है उसको हम मैट्रिक्स कहते हैं. यहाँ पे डायग्राम है, जैसे ये यहाँ पे आउटर मेम्ब्रेन है एंड देन ये इनर मेम्ब्रेन है यहाँ पे, और जो इनके बीच का स्पेस है उसको इंटर मेम्ब्रेन स्पेस कह रहे हैं. एंड जो इनर मेम्ब्रेन के अंदर के पार्ट्स है जो भी, उसे हम मैट्रिक्स कह रहे हैं, या जो इसके अंदर का साइटोप्लाज्म है उसको हमने मैट्रिक्स कहा हुआ है. देन जो अंदर की मेम्ब्रेन है, जो अंदर की मेम्ब्रेन है उसमें बहुत सारे फोल्डिंग्स है, जैसे आप देख सकते हो ये फोल्डिंग्स है, इसको हम क्रिस्टे कहते हैं. द आउटर मेम्ब्रेन फॉर्म्स कंटिन्यूस लिमिटिंग बाउंड्री ऑफ द ऑर्गेनली एंड द इनर मेम्ब्रेन फॉर्म अ नंबर ऑफ इन फोल्डिंग्स कॉल क्रिस्टे टूवर्ड्स द मेट्रिक साइड. सो अगेन वही चीज़ है कि जो आउटर मेम्ब्रेन है वो जो कंटिन्यूस है, उसमें कोई फोल्डिंग्स नहीं है, कुछ भी नहीं है, और जो इनर मेम्ब्रेन है उसमें बहुत सारी फोल्डिंग है जिसको क्रिस्टे कह रहे हैं, और वो टूवर्ड्स द मेट्रिक्स है. देन माइटोकॉन्ड्रिया का मेन फंक्शन क्या है? तो माइटोकॉन्ड्रिया का मेन फंक्शन है एटीपी प्रोड्यूस करना, इसलिए उसको पावर हाउस ऑफ सेल भी कहते हैं. तो जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है वो साइट होता है एरोबिक रेस्पिरेशन का, जहाँ पे रेस्पिरेशन होता है और उस रेस्पिरेशन के टाइम में एटीपी फॉर्म होता है. एंड मैट्रिक्स जो है मैट्रिक्स जो है माइटोकॉन्ड्रिया का, उसके अंदर सर्कुलर डीएनए भी होता है, फ्यू आरएनए मॉलिक्यूल्स, राइबोसोम्स, और ये सब क्या करते हैं, ये सब कंपोनेंट्स जो हैं वो प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करते हैं. जैसे ये डायग्राम देख रहे हैं यहाँ पे, जो रेड है वो डीएनए दिखाया है, कुछ ग्रैन्यूल्स एंड राइबोसोम्स भी हैं यहाँ पे, जैसे ये स्ट्रक्चर में आप देख सकते हैं. तो ये सब प्रोटीन सिंथेसिस में भी हेल्प करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को, बिकॉज माइटोकॉन्ड्रिया भी एक सेल्फ सफिशिएंट ऑर्गेनली है, वो भी दूसरे सेल पे डिपेंड नहीं होता, वो भी चाहे तो अपना खुद के लिए वर्क कर सकता है क्योंकि वो एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं. इसलिए जो यहाँ पे आरएनए राइबोसोम्स है ये सब इसको प्रोटीन सिंथेसिस के लिए हेल्प करते हैं. जो नेक्स्ट ऑर्गेनली है वो है प्लास्टिड्स. तो जो प्लास्टिड होते हैं वो जनरली प्लांट्स में ही फाउंड होते हैं, एनिमल सेल में नहीं होते हैं. प्लास्टिड्स आर द ऑर्गेनलीज इन प्लांट्स विच बेयर सम ऑफ द स्पेसिफिक पिगमेंट एंड इम्पार्ट अ स्पेसिफिक कलर टू द प्लांट्स. जो प्लास्टिड होते हैं वो अगेन एक प्लांट सेल का ही फीचर है, और वो जो प्लास्टिड होते हैं वो एक उस प्लांट को एक स्पेसिफिक कलर भी प्रोवाइड करने में हेल्प करते हैं. जो प्लास्टिड होते हैं वो तीन टाइप के होते हैं डिपेंडिंग अपॉन द पिगमेंट जो उनके अंदर प्रेजेंट है. तो फर्स्ट इज़ क्लोरोप्लास्ट, सेकंड इज क्रोमोप्लास्ट, एंड थर्ड इज ल्यूकोप्लास्ट. सो जो क्लोरोप्लास्ट होता है, जैसे मैंने कहा कि ये प्लास्टिड हैं उनके अंदर कुछ ना कुछ पिगमेंट होते ही हैं, तो जो क्लोरोप्लास्ट है उसके अंदर क्लोरोफिल कैरेटिनॉइड पिगमेंट्स रहते हैं जो फोटोसिंथेसिस के लिए हेल्प करते हैं. और वो फोटोसिंथेसिस के लिए कैसे हेल्प करते हैं, वो क्या करते हैं कि जो लाइट आती है तो हमें एक स्पेसिफिक वेवलेंथ की लाइट चाहिए होती है फोटोसिंथेसिस के लिए. तो ये जो क्लोरोफिल और कैरोटीनॉइड्स हैं वो एक साथ मिलके उस स्पेसिफिक वेवलेंथ की लाइट को ट्रैप करते हैं जिससे फोटोसिंथेसिस हो पाता है. देन सेकेंड टाइप ऑफ प्लास्टिड इज क्रोमोप्लास्ट. जो क्रोमोप्लास्ट है उसके अंदर फैट सॉल्युबल कैरोटीनॉइड पिगमेंट्स जिसको हम कैरोटीन या जेंथोफिल्स होते हैं वो होते हैं. देन जो थर्ड टाइप का प्लास्टिड है दैट इज़ ल्यूकोप्लास्ट. ल्यूको मीन्स कलरलेस. तो जो ये होते हैं ये कलरलेस प्लास्टिड्स होते हैं जिसके वेराइटी ऑफ शेप्स और साइजेस में मिल जाते हैं. इसके अंदर हम न्यूट्रिएंट्स स्टोर करते हैं, हम एज इन जो प्लांट्स होते हैं वो अपना न्यूट्रिएंट्स स्टोर करते हैं. और उसमें अमाइलोप्लास्ट होता है, एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ ल्यूकोप्लास्ट है जिसको हम अमाइलोप्लास्ट कहते हैं. उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स रहते हैं. देन अगर उस प्लास्टिड के अंदर ऑयल हो या फैट हो तो हम उसको इलियोप्लास्ट कहते हैं. एंड अगर उसके अंदर प्रोटीन स्टोर होता है तो उसको एलियोरोप्लास्ट कहते हैं. क्लोरोप्लास्ट जो होता है वो एक स्पेसिफिक ग्रीन प्लांट्स में फाउंड होता है और उनकी मीजोफिल सेल्स में होता है. ये जो क्लोरोप्लास्ट होता है वो भी डबल मेम्ब्रेन बाउंड है. सो डबल मेम्ब्रेन बाउंड्री हमारी एक सेकेंड ऑर्गेनली हुई आफ्टर माइटोकॉन्ड्रिया.
द स्पेस लिमिटेड बाय द इनर मेम्ब्रेन इन द क्लोरोप्लास्ट इज कॉल्ड स्ट्रोमा। तो नेक्स्ट स्लाइड में एक क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर है जहाँ पे स्ट्रोमा क्या है वो आपको दिखाती हूँ मैं। अ नंबर ऑफ ऑर्गेनाइज्ड फ्लैटेंड मेम्ब्रेन सैक्स आर कॉल्ड थायनाकॉइड्स। थायनाकॉइड्स आर अरेंज इन स्टैक लाइक पाइल्स ऑफ कॉइंस आर कॉल्ड ग्राना। सो ये जो एक अकेला ऐसा जो डिस्क शेप का आपको दिख रहा है उसको थायनाकॉइड कहते हैं, एंड अगर ये बहुत सारे एक साथ कॉइन्स के फॉर्म में स्टैक्ड है तो हम उसे ग्राना कहते हैं। देयर आर फ्लैट मेम्ब्रेनस ट्यूब्यूल कॉल्ड स्ट्रोमा लैमेले। सो जैसे ये जो यहाँ पे लाइट ग्रीन कलर का देख रहे हो जो एक इस ग्राना से दूसरे ग्राना में कनेक्ट कर रहा है उसे हम कहते हैं स्ट्रोमल लैमेले। द मेम्ब्रेन ऑफ थायलाकॉइड एनक्लोज द स्पेस कॉल्ड ल्यूमेन। जो इसके बीच के जो एक थायलाकॉइड के अंदर का स्पेस है उसको ल्यूमेन कहते हैं। द स्ट्रोमा कंटेन्स एनजाइम डबल स्टैंडर्ड डीएनए मॉलिक्यूल्स एंड आरएनए। स्ट्रोमा मीन्स जैसे एक सेल के बीच में जो प्लाज्मा रहता है वैसे ही जो ये थायलाकॉइड है, थायलाकॉइड का जो प्लाज्मा है उसको हमने स्ट्रोमा कहा है। तो उस स्ट्रोमा में क्या क्या है, उसके अंदर डीएनए है, एंजाइम्स है एंड राइबोसोम्स है। तो ये एक टाइप का क्लोरोप्लास्ट मतलब क्लोरोप्लास्टिड है जो जिसे हम कह रहे हैं क्लोरोप्लास्ट। और ये क्लोरोप्लास्ट का मेन फंक्शन कहाँ पे आता है, जब हम फोटोसिंथेसिस करते हैं तो ये जो थायलाकॉइड्स और ये ग्राना ये मिलके एक स्पेसिफिक वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं एंड उसे फिर इलेक्ट्रॉन्स को एक्साइट करते हैं और फिर पूरा एक फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है जहाँ पे वाटर रिलीज होता है और सब कुछ होता है। वो हम पढ़ेंगे आगे के चैप्टर्स में जब मैं फोटोसिंथेसिस कराऊंगी, बट अभी के लिए कि ये बेसिक के फॉर्म में मैं आपको बता रही हूँ कि ये क्लोरोप्लास्ट है एंड इसका क्या मेजर फंक्शन है प्लांट में। देन राइबोसोम्स है। तो राइबोसोम्स वर द ग्रैनुलर स्ट्रक्चर्स ऑब्जर्व्ड अंडर द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप एज अ डेंस पार्टिकल बाय जॉर्ज पलाडे। तो जॉर्ज पलाडे थे, उन्होंने 1953 में सबसे पहले राइबोसोम्स को ऑब्जर्व किया था। तो राइबोसोम्स आर कंपोज्ड ऑफ राइबोन्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन्स। तो जो राइबोसोम्स है वो आरएनए राइबोन्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन्स का फॉर्म होता है। एंड जो यूकैरियोटिक राइबोसोम होता है वो 80S का होता है एंड जो प्रोकैरियोटिक राइबोसोम्स होते हैं वो होते हैं 70S के। तो यहाँ पे ये दोनों टाइप के राइबोसोम्स हैं, ये वाला ये वाला प्रोकैरियोटिक है एंड ये वाला जो है ये यूकैरियोटिक है क्योंकि ये 70S है एंड ये 80S है। और जो इनके साथ में S होता है वो S स्टैंड करता है सेडिमेंटेशन कोफिशियंट के लिए। तो कभी कभी ये पूछ सकते हैं कि व्हाट डज एस स्टैंड्स फॉर, और यूकैरियोटिक राइबोसोम जो है या फिर प्रोकैरियोटिक राइबोसोम है उनका डिफरेंस क्या है। इसमें ये किसने डिस्कवर्ड किया था ये तो बहुत कम ही पूछा गया है, बट यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक राइबोसोम से पूछ सकते हैं या फिर एस पूछ सकते हैं कि व्हाट इज़ एस। तो ये एस इज़ द सेडिमेंटेशन कोफिशियंट विच मेजर द डेंसिटी एंड साइज। तो यहाँ हमारे एक एक्सपेरिमेंट किया गया था जिसमें इन्हें हमने ब्रेक करके इनकी सेडिमेंट इनको सेंट्रीफ्यूज किया गया था। तो जब हम सेंट्रीफ्यूज करते हैं तो उसमें जो भी पार्टिकल्स होते हैं वो उनकी डेंसिटी और साइज़ के अकॉर्डिंगली सेटल होते हैं। मींस जो पार्टिकल का साइज़ ज़्यादा है वो सबसे नीचे रहता है और जो कम होता है वो ऊपर की तरफ होता है क्योंकि उसका मॉलिक्यूलर वेट कम होता है। तो उसको वो धीरे धीरे सेटल होता है तो वो ऊपर रहता है और जिसका वेट ज़्यादा होता है वो नीचे की तरफ सेटल हो जाते हैं। तो उसी सेडिमेंटेशन के बेसिस पे इसके साथ हमने 70S और 80S लिखा हुआ है और इसे सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट कहते हैं। तो जो 70S है उसका ये जो ऊपर वाला पार्ट है ये स्मॉलर सब यूनिट है, नीचे वाला पार्ट है वो लार्जर सब यूनिट है। जो प्रोकैरियोटिक सेल का जो स्मॉलर सब यूनिट हुआ वो 30S हुआ एंड लार्जर सब यूनिट इज़ 50S। एंड फॉर यूकैरियोटिक सेल जो स्मॉलर सब यूनिट हुआ वो 40 का हुआ एंड जो लार्जेस्ट सब यूनिट है वो 60S है एंड टुगेदर दे फॉर्म अ 80S राइबोसोम। साइटोस्केलेटल स्ट्रक्चर्स एन इलैबोरेट नेटवर्क ऑफ फिलामेंटस और प्रोटीनेशियस स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म इज कलेक्टिवली कॉल्ड साइटोस्केलेटल स्ट्रक्चर्स। तो ये जो साइटोस्केलेटल स्ट्रक्चर्स होते हैं ये क्या करते हैं, ये मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, मोटिलिटी में हेल्प करते हैं एंड दे हेल्प टू मेंटेन द शेप ऑफ द सेल। सीलिया एंड फ्लैजेला आर हेयर लाइक ग्रोथ ऑफ सेल मेम्ब्रेन। जैसे हमने पहले देखा था कि एक फ्लैजेला जो होता है वो जनरली एक होता है एक सेल में या फिर कभी कभी दो हो सकते हैं, बट जो सीलिया होता है वो बहुत सारे होते हैं एक सेल में और वो बहुत साइज में छोटे होते हैं और हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं।
और दोनों एक तरीके से सेल को मूवमेंट में ही हेल्प करते हैं। तो अब जो सीलिया या फ्लैजले का स्ट्रक्चर होता है वो कैसे फॉर्म होता है वो यहाँ पे इस डायग्राम में एक्सप्लेन्ड है, जो मैं अभी आपको एक्सप्लेन करती हूँ। द कोर ऑफ सीलिया एंड फ्लैजला इज कॉल्ड एक्सोनीमे एंड पजेस अ नंबर ऑफ माइक्रोट्यूबुल्स रनिंग पैरेलल टू ईच अदर। ये एक क्रॉस सेक्शनल डायग्राम है जिसमें आप देख सकते हो दो एक साथ अटैच्ड हैं, और ये जो होते हैं ये नाइन होते हैं जो एक साथ मिलते हैं माइक्रोट्यूबुल्स, एंड ये एक साथ मिलके एक फ्लैजला फॉर्म करते हैं। और ये जो बीच में है इसे हम सेंट्रल माइक्रोट्यूबुल्स कहते हैं। एंड ये जो यहाँ पर आप देख रहे हो कि ग्रीन कलर का जो डायग्राम है ये एक रेडियल स्पोक है, एंड ये सब एक दूसरे के साथ अटैच होके एक माइक्रोट्यूबुल को फॉर्म करने में हेल्प करते हैं। तो ये जो एक्जिम का जो एक यूजुअल अरेंजमेंट होता है उसको 9+2 अरेंजमेंट और 9+2 एरे कहते हैं। और इसको 9+2 अरेंजमेंट इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पे जैसे ये डबलेट्स है, माइक्रोट्यूब्यूल का डबलेट्स है, वही यहाँ पे भी लिखा है, फॉर्म्स अ नाइन पेयर ऑफ डबलेट्स ऑफ रेडियली अरेंज पेरीफ्रल माइक्रोट्यूब्यूल्स, क्योंकि ये पेरीफ्री पे हैं और एक बीच में सेंट्रली है, और इस अरेंजमेंट को इन्होंने 9+2 बोला है अरेंजमेंट। देन जो सेंट्रल ट्रिब्यूल होता है वो एक ब्रिज की तरफ होता है, एंड वो एक ज़्यादा स्ट्रांग होता है, एंड उसके आसपास लिंकर्स होते हैं, वो एक दूसरे के साथ कनेक्ट करके एक माइक्रोट्यूबुल को फॉर्म करते हैं। तो यहाँ पे एक मैंने ये डायग्राम रखा है, ये एक सीलिया के सीलिया है और एक ये फ्लैजला है जो स्मॉल छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स है और बहुत सारे लार्ज इन नंबर हैं, तो वो सीलिया है एंड फ्लैजला एक सिंगल स्ट्रक्चर है। देन सेंट्रोसोम एंड सेंट्रियोल्स, सेंट्रोसोम्स एंड सेंट्रियोल जनरली एक प्लांट सेल में ही, प्लांट सेल में सेंट्रोसोम होता है और सेंट्रियोल्स होते हैं एनिमल सेल में। सेंट्रोसोम इज़ एन ऑर्गेनली यूजुअली कंटेनिंग टू सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर्स कॉल्ड सेंट्रियोल। बोथ सेंट्रियोल एंड सेंट्रोसोम लाई परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ईच सेंट्रियोल इज मेड अप ऑफ पेरिफेरल फाइबर कॉल्ड ट्यूबुलिन। अगेन ये भी बहुत सारे फाइबर्स और ट्यूब्यूल प्रोटीन्स को मिलकर बनता है, तो इसलिए जो यहाँ पे प्रोटीन यूज होता है उसको ट्यूब्यूलिन कहते हैं। द सेंट्रल पार्ट ऑफ सेंट्रियोल इज प्रोटीनिशियस एंड इज कॉल्ड हब। जैसे हमने उसमें देखा या सेंट्रल में भी एक डबलेट के फॉर्म में ट्यूब्यूल्स थे तो उसको सेंट्रल ट्यूब्यूल कह रहे थे, जैसे वैसे यहाँ पे भी सेंट्रियोल में एक सेंट्रल पार्ट होता है जो ट्यूब्यूल्स का बना होता है, उसे हम हब कहते हैं, विच इज़ कनेक्टेड विद द ट्यूब्यूल्स ऑफ पेरीफ्रल ट्रिपलेट बाय रेडियल स्पोक्स मेड अप ऑफ प्रोटीन। द सेंट्रियोल ऑफ द बेसल बॉडी ऑफ फ्लैजेला एंड स्पिंडल फाइबर्स डैट गिव राइज टू स्पिंडल अपैरेटस ड्यूरिंग सेल डिविजन इन एनिमल्स। तो जैसे ये सेंट्रियोल होता है ये जनरली एनिमल सेल में होता है और ये एक सेल डिविजन के टाइम में हेल्प करता है सेल को। देन न्यूक्लियस, सो न्यूक्लियस एक अगेन एक इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनली है, इसमें से क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। और सबसे पहला क्वेश्चन एक इम्पॉर्टेंट है कि न्यूक्लियस किसने डिस्कवर किया था, तो न्यूक्लियस डिस्कवर किया था रॉबर्ट ब्राउन ने। एंड न्यूक्लियस जो न्यूक्लियस वॉज नेम्ड एज क्रोमैटिन बाय फ्लेमिंग। जो न्यूक्लियस था जब उसका प्रिमिटिव नेम रखा गया था, जब उन्होंने फर्स्ट टाइम ऑब्जर्व किया था तो फ्लेमिंग ने ऑब्जर्व किया, जो उसको नाम दिया था, उसे नाम दिया था उन्होंने क्रोमैटिन। द इंटरफेस न्यूक्लियस हैज़ हाईली एक्सटेंडेड एंड इलाबोरेट न्यूक्लियो प्रोटीन फाइबर्स कॉल्ड क्रोमैटिन। न्यूक्लियर मैट्रिक्स एंड मोर ऑफ द स्फेरिकल बॉडीज कॉल्ड न्यूक्लियोलाई। जो इंटरफेस का न्यूक्लियस होता है उसमें ज़्यादा क्या चीज़ें प्रेजेंट होती है वो हमने इस पॉइंट में इलाबोरेट किया है कि उसमें क्रोमैटिन होता है, न्यूक्लियर मैट्रिक्स होता है और स्फेरिकल बॉडी होती है जिसे हम न्यूक्लियोलाई कहते हैं। देन न्यूक्लियर एनवेलप कंसिस्ट ऑफ टू पैरेलल मेम्ब्रेन्स विथ स्पेस बिटवीन देम कॉल पेरी न्यूक्लियर स्पेस। तो जो न्यूक्लियस होता है उसकी दो मेम्ब्रेन होती है, एक आउटर एक इनर, और वो दोनों एक दूसरे के पैरेलल होती है, और जो उसके बीच का स्पेस होता है उसे पेरी न्यूक्लियर स्पेस कहते हैं। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया में देखा था हमने एक आउटर मेम्ब्रेन हुई एक इनर मेम्ब्रेन हुई, और उसके बीच के स्पेस को हमने इंटर न्यूक्लियर स्पेस न्यूक्लियर स्पेस का था, वैसे ही यहाँ पे इंटर पेरी न्यूक्लियर स्पेस कहते हैं। अ नंबर ऑफ प्लेसेस द न्यूक्लियर एनवेलप इज इंटरप्टेड बाय माइन्यूट पोर विच आर फॉर्म बाय फ्यूजन ऑफ टू मेम्ब्रेन्स। तो जो न्यूक्लियस होता है उसके बीच में वो कंटिन्यूस नहीं होता है, वहाँ पे छोटे छोटे फ्यूजन्स होते हैं और वहाँ पे कुछ कुछ स्ट्रक्चर्स फॉर्म होते हैं।
तो उसे हम वहाँ पे उन छोटे छोटे स्ट्रक्चर से न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स कहते हैं, और जहाँ से जो हेल्प करते हैं ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मॉलिक्यूल फ्रॉम न्यूक्लियस टू आउटसाइड द साइटोप्लाज्म। द न्यूक्लियर मैट्रिक्स और द न्यूक्लियर प्लाज्म कंटेन न्यूक्लियोलस एंड क्रोमैटिन। तो जो न्यूक्लियर का मैट्रिक्स है, या उसको हम न्यूक्लियर प्लाज्म भी कहते हैं, उसमें क्या होता है, न्यूक्लियस होता है एंड क्रोमैटिन होता है। एंड न्यूक्लियोलाई आर स्पेरिकल स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट इन न्यूक्लियर प्लाज्म। न्यूक्लियोलस इज अ साइट ऑफ अ एक्टिव राइबोसोमल आरएनए सिंथेसिस। तो न्यूक्लियोलस एक साइट होता है, वो आरएनए सिंथेसिस के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। अ लूज एंड डिस्टिंक्ट नेटवर्क ऑफ न्यूक्लियर प्रोटीन इज कॉल्ड क्रोमैटिन। एक लूज जो पतली सी शीट होती है, जो हमें एकदम इंटरफेस में दिखती है, जो हमें बोलते हैं कि हाँ ये जेनेटिक मटेरियल है, उसे हम क्रोमैटिन कहते हैं। ड्यूरिंग डिफरेंट स्टेजेस ऑफ सेल डिवीजन सेल शो स्ट्रक्चर्ड क्रोमोसोम्स इन द न्यूक्लियस। तो जब स्टार्टिंग फेज होता है इंटरफेज ऑफ न्यूक्लियस, वहाँ पे एक थिन क्रोमैटिन के स्ट्रक्चर में होता है। देन वो जैसे जैसे सेल आगे बढ़ता जाता है, वो कंडेंस होता है और एक क्रोमोसोम के फॉर्म में आ जाता है, और वो न्यूक्लियस में ही दिखता है। क्रोमैटिन कंटेंस डीएनए एंड सम बेसिक प्रोटीन्स कॉल्ड हिस्टोन, सम नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स एंड ऑल्सो आरएनए। तो जो न्यूक्लियस में होता है, न्यूक्लियस में हमने पढ़ लिया कि क्रोमैटिन होता है, डीएनए होता है, एंड अलॉन्ग विद दीज टू वहाँ पे एक बेसिक प्रोटीन भी होता है जिसे हम हिस्टोन कहते हैं, और कुछ ऐसे प्रोटीन्स भी होते हैं जो बेसिक नेचर में नहीं होते हैं, उन्हें नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स कहते हैं। एंड वहाँ पे आरएनए भी प्रेजेंट होता है। एवरी क्रोमोसोम एसेंशियली हैज़ प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन और द सेंट्रोमियर ऑन द साइड्स ऑफ द डिस्क शेप्ड स्ट्रक्चर कॉल्ड काइनेटोकोर आर प्रेजेंट। तो जैसे आपने एक स्ट्रक्चर देखा होगा कि एक ऐसे हम क्रोमोसोम बनाते हैं, उसके दो आर्म्स होते हैं, बीच में एक ऐसा डिस्क होता है, फिर ये एक इधर आर्म और एक इधर आर्म। तो जो ये बीच का जो स्ट्रक्चर होता है, उसे हम काइनेटोकोर कहते हैं। तो इस पॉइंट में यही एक्सप्लेन किया है कि एक क्रोमोसोम होता है, उसके दो आर्म्स होते हैं, और उसके बीच में एक काइनेटोकोर होता है। ये एक न्यूक्लियस का डायग्राम है, जहाँ पे आप देख सकते हो कि ये उसका न्यूक्लियर एनवेलप है। ये पोर है, जो मैंने आपको समझाया था लास्ट पॉइंट में, कि जहाँ से ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल के लिए हेल्प करता है। देन ये न्यूक्लियोप्लाज्म या फिर न्यूक्लियर स्पेस जो होता है, पेरी न्यूक्लियर स्पेस, ये राइबोसोम्स है उसके पास, जो वो खुद के ऑर्गेनलीज के अंदर रहते हैं, उसको फंक्शन में हेल्प करते हैं प्रोटीन सिंथेसिस के लिए। एंड बस ये इसके बेसिक स्ट्रक्चर है। एंड देन न्यूक्लियस, सॉरी, देन क्रोमोसोम्स के बारे में बात करते हैं, कि जो हमने यहाँ पे कहा कि एक क्रोमोसोम होता है, उसके बीच में एक काइनेटोकोर होता है, एंड उसके दो पार्ट्स होते हैं। सो बेसिस ऑन द बेसिस ऑफ सेंट्रोमियर क्रोमोसोम्स आर क्लासिफाइड इनटू फोर पार्ट्स। तो जो सेंट्रोमियर या की जो पोजीशन है, उसके बेसिस पे जो हम क्रोमोसोम्स को डिवाइड करते हैं, वो फोर टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट इज मेटासेंट्रिक, सेकेंड इज सब मेटासेंट्रिक, थर्ड इज एक्रोसेंट्रिक एंड फोर्थ इज टीलोसेंट्रिक, जो यहाँ पे मेंशन है। सो जो फर्स्ट मेटासेंट्रिक टाइप ऑफ क्रोमोसोम्स है, उसमें जो सेंट्रोमियर होता है वो इक्वली प्रेजेंट होता है। जैसे इस डायग्राम में देख सकते हैं, ये जो फर्स्ट वन है, ये मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम है। इसमें जो सेंट्रोमियर है वो एकदम सेंटर में प्रेजेंट है, तो जिससे जो अपर आर्म है और लोअर आर्म है, उनकी लेंथ में आपको ज़्यादा डिफरेंस नहीं दिख रहा है, तो इसलिए हम इसे मेटासेंट्रिक कहते हैं। देन सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम है, जिसमें जो हमें दिख रहा है कि एक लॉन्गर आर्म है एंड एक शॉर्टर आर्म है, तो उसे सब मेटासेंट्रिक बोल रहे हैं। एंड देन एक्रोसेंट्रिक है, जिसमें जो अपर आर्म है वो बहुत छोटा है, नीचे वाला आर्म जो है वो बहुत बड़ा है, तो बहुत ह्यूज डिफरेंस है, तो उसे एक्रोसेंट्रिक कहते हैं। एंड लास्ट इज टीलोसेंट्रिक, जिसमें जो सेंट्रोमियर है वो ऑलमोस्ट ऐसे एंड पे पहुंच गया जहाँ पे कोई आर्म ही नहीं दिख रही हमें, तो हम उसे टीलोसेंट्रिक कहते हैं। समटाइम्स अ फ्यू क्रोमोजोम्स हैव नॉन स्टेनिंग सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन विच गिव्स अपेयरेंस ऑफ स्मॉल फ्रैगमेंट कॉल्ड सेटेलाइट्स। तो कभी कभी कुछ क्रोमोजोम में ऐसे स्मॉल फ्रेगमेंट्स दिखते हैं, जिसे सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन या फिर हम सेटेलाइट्स कहते हैं। एंड लास्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर इज माइक्रोबॉडीज। यहाँ से कुछ ज़्यादा क्वेश्चंस तो अभी तक नहीं आए हैं, और ऐसा चांस भी नहीं है कि यहाँ से आएगा, बट ये एनसीईआरटी में था इसलिए यहाँ पे मेंशन है,
ये मेम्ब्रेन बाउंड बहुत छोटे छोटे वेसिकल्स के फॉर्म्स में सेल्स में होता है, और इन्हें हम माइक्रो बॉडीज़ कहते हैं। और माइक्रो बॉडीज़ के अंदर बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं जो उस प्लांट और उस सेल के लिए कुछ ना कुछ हेल्पफुल वर्क के लिए हेल्प करते हैं। एंड बस ये सेल चैप्टर ख़त्म होता है। एंड लास्टली थैंक यू।